ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी। ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो झकझोरी क्यों ना। सूरज की किरणें आने दे मेरे में। मैं फिलहाल हूँ ग्वालपरा में, अभी तो मैं फिलहाल हूँ नारायण सेतु के आगे, वो रहा मेरे पीछे नारायण सेतु, और मैं यहाँ पे अपने बाइक लेके कुछ ऑफ रोडिंग करने आया था। सीन ऐसा है कि मैं जब ग्वालपरा पहुँचा तो मेरे नानी ने कहा कि आज रुक जाओ, खाना वाना खा के निकल जाना, कल सुबह मतलब आज सुबह का निकल लेगा। तो मैंने भी ठीक है भाई साहब वैसे प्लान कर लिया, बाइक का भी वैसे 300 किलोमीटर हो चुका था, जाते जाते फिर से 300 हो जाता, गुवाहाटी जाके सर्विसिंग में डाल देता बाइक। अभी सीन ऐसा है कि मैंने अपना हेलमेट एक जगह पे रख दिया था, तो चूहे ने हेलमेट काट दिया थोड़ा सा नीचे, और जो मेरा माइक था वो कट गया। तो अभी ये हो गया है कि बिना माइक के मैं गुवाहाटी वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे शूट करना है भाई साहब। तो मैंने अपने नौका भैया को फ़ोन किया, नौका भैया को फ़ोन करके उनको बताया अपना असुविधा, और नौका भैया अभी हमें मतलब ख़रीदा है उन्होंने मेरे लिए माइक ख़रीद के, वो अभी बस में चढ़ा दिया भाई, शायद बस में चढ़ाएंगे, हाँ बस में चढ़ा के हमें भेजा जाएगा हमारा माइक। अभी माइक पहुँचेगा आज शाम को 6 बजे, तो मैं कल निकलूँगा सुबह। तो अभी यही सीन है, हाँ ठीक है। अभी बाकी मैं बताता हूँ, मतलब कहीं पे रुक के बताता हूँ, ऊपर जाके यहाँ पे बहुत धूप है, यहाँ पे थोड़ा ऑफ रोड कर लिया, मतलब ऐसे खेलने आया था, मैं देख रहा था बाइक कैसा लगता है ऐसे ट्रेल्स में चला के, काफ़ी सही है भाई साहब। जब हमें बनाना पड़ रहा है फिलहाल बिना माइक का वीडियो, थोड़ा साउंड नॉइज थोड़ा ज़्यादा हो पाए तो है नहीं उसके बारे में, क्या कर सकते हैं। 6 बजे पहुंचने वाला है माइक, तो अभी जाते हैं घर, खाना वाना खाते हैं, खाने के बाद हम माइक लगाएंगे, और कल शायद प्लान है घर जाने का वापस। लेकिन इससे पहले यहाँ पे एक पहाड़ है, मतलब एक पहाड़ है, ये पहाड़ है जहाँ पे बाइक जाता है, फुल ऑफ रोडिंग है भाई साहब। तो आज तो नहीं हो पाएगा पॉसिबल, क्योंकि आज 6 बजे आएगा माइक, तो कल करेंगे वो, कल करके हम घर निकल जाएंगे। तो माइक जो है वो आ चुका है, अभी ये जो माइक है बैटरी वाला माइक है, पता नहीं ये क्या क्वालिटी देने वाला है, क्योंकि ओसा का लेवलियर जो है वो अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो इसी वजह से हमें इस माइक से काम चलाना पड़ेगा। और ये माइक भाई साहब कतई लंबा वाला माइक है भाई, 8 मीटर का माइक है, पूरा माइक को घुसाते घुसाते मुझे एक मतलब 1.5 घंटा लग गया हेलमेट के अंदर। तो अभी सीन ऐसा है कि हम जा रहे हैं ऑफ रोडिंग के लिए, वो पहाड़ देख रहे हो आप लोग, उसी पहाड़ में जा रहे हैं हम। सीन ऐसा है, देखते हैं पहाड़ में कैसा खींचता है फुल ऑफ रोडिंग में, जंगलों के बीच से मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि कुछ दिनों से जो कंटेंट और वीडियो में व्यूज़ आ रहा है बहुत अच्छा हो रहा है हमारे चैनल में, तो इसी बात पे चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए। और कतई जहरीला जहरीला सीन चल रहा है ग्वालपरा में, सोचा था कि कुछ दूर जाएंगे ये होगा वो होगा, लेकिन सब कुछ फ्लॉप हो गया। ज़िंदगी का नाम ही ज़िंदगी इसीलिए है क्योंकि नथिंग इज़ एक्सपेक्टेबल हियर, एवरीथिंग इज़ अनएक्सपेक्टेबल हियर। सीन हो गया, मैं ग्वालपरा आया, आने के बाद जो माइक है वो चूहे ने काट दिया, हेलमेट भी काट दिया। अभी जो फ़िलहाल माइक मैं यूज़ कर रहा हूँ ये कुछ लेवलियर का ही है, लेकिन ओसाका का नहीं है, कुछ दामी माइक है, 1700 रुपये का माइक है। लेकिन फिर भी 1700 हो या 1800 हो, वो जो 500 वाला जो काम देता था ना, ये 1700 वाला भी वैसा काम नहीं दे सकता मुझे जितना लगता है। तो हमारे बाइक का किलोमीटर हो चुका है अभी ऑलटोटल 374, मतलब और 300 समथिंग किलोमीटर है, उसके बाद बाइक को सर्विस में डालना पड़ेगा। तो शायद कल सुबह निकल जाएंगे हम यहाँ से गुवाहाटी के लिए, और ये ब्लॉग शायद लास्ट हो सकता है ग्वालपरा में, पता नहीं, देख लीजिए। वो बोला कि मैंने एवरीथिंग इज़ अनएक्सपेक्टेबल, इसी का नाम है ज़िंदगी, तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो अभी मिलते हैं हम आपको पहाड़ में, चलिए बस पे पहर पहुँच गए हम पहर, तो पहाड़ चढ़ने से पहले, और पहाड़ चढ़ने से पहले क्या पहाड़ शुरू ही हो गया चढ़ते। अरे आंटी जी कहाँ बैठ गए आप, गलत सीन है। हो ओके, ये रास्ता नहीं था, ऑपोजिट वाला रास्ता है, इधर घुमा लेते हैं पटाख से। अरे रे 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 भाई भाई ब्रेक, तो यहाँ से शुरू होता है असली डेडली वाला रास्ता।
वाह क्या नजारा है। एडवेंचर बोलते हैं। लोग इधर सोलो नहीं आता, मैं पिलियन लेके जा रहा हूँ भाई साहब। हे मतलब एक्सपल्स में दम है, काफी दम है एक्सपल्स में। सारी उम्र ना गवा दे मैं तो वाक्यों सोचे बादल भरे हैं जबकि वो तो रुके हैं क्योंकि बारिश तो आनी है ना। तो भाई साहब एक चीज गलत हो गया मेरे साथ कि मैं ये हाफ टी शर्ट पहन के आ गया, तो ये पेड़ वेड़ बहुत मार रहा है और हमारे जो मेरे जो पीछे के जो सिनेमेटो वीडियोग्राफर थे वो भाई साहब गिर गए, तो भाई साहब कहीं चोट वोट आया। रेडिएटर गर्म होने तो उसका काम ही है ठंडा करने का। तुम बताओ तुमको चोट वोट लगा कहीं पे? हाँ तब ठीक है, हम इसके भरोसे फाल रहे हैं। ये भाई साहब पीछे गिर गया है बोलो तो। ओ भाई साहब ग्लैमर, तुम्हारा पिलियन किधर गया? और वो तो देखो देखो 15 NM टॉर्क वाला बाइक को खींच रहा तुम भाई साहब, इसको लेके गिर गया घट फट घंटा राइडर। तो हम फिर से चालू करते हैं, हमारे सारे राइडर्स पहुंच गए हैं। ओ, अभी तो भाई साहब हेलमेट में भी मार पड़ रहा है मुझे। ये था ना, ये था तो एडवेंचर के जोश में हम कहाँ घुसने जा रहे हैं आपको खुद ही पता नहीं है भाई साहब। सूरज की किरणें आने दे मेरे नींद, अब चल जाने दे जो भी बीत, ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी सुने ना। देखो सावन आए रे मन हंसाए। तो यहाँ पे एक्चुअली फिलहाल बहुत जंगल हो चुका है, इसलिए ना आगे आप लोगों का आगे का व्यू नहीं दिख रहा है। एक्चुअली वो देखिए वैसा व्यू, ये हसीट पी व्यू है, एक्चुअली जंगल हो चुका है। अब बहुत खुजा रहे हैं भाई साहब, कौन सा पेड़ ने मारा है मुझे नहीं पता, ये क्या हो गया ये सब। तो अगर एक्सपल्स ना होता तो यहाँ तक नहीं पहुँचते क्योंकि वो लोग नहीं पहुँचे। भाई साहब हम फाइनली घुस चुके हैं भूत बंगलों में और पूरा टीम यहाँ पे हमारा जो पीछे में था सिनेमेटोग्राफी के लिए, लेकिन आधे से ज्यादा का हालत खराब हुई है तो बेचारे दो बार गिर गया। देखो पिछली बार क्या लेके घूम रहे तुम जंगल, मेरा क्लिप्स क्या हुआ, खुद ही गिर कर गया। अभी जो है ना जो मैंने एक्सपेक्ट किया था अपना क्लिप्स मैंने मतलब पीछे से वो मतलब ये भाई साहब जो मेरे पिलियन थे इनको मैंने उतार उतार के क्लिप्स लिया है क्योंकि ये लोग तो गिरे हुए हैं, गिरे हुए इंसान, गिरे हुए इंसान। कोई बात नहीं भाई साहब, उसके लिए गट चाहिए MT-15 जो ऑफ रोडिंग बाइक नहीं है इसको उतना ऊपर तक लाने के लिए। आई एम प्राउड ऑफ यू माई ब्रो, ग्लैमर ग्लैमर। और ये तो भाई साहब ग्लैमर, हमारे हीरो के छोटे भाई। देखो सावन आए रे मन हंसाए में दवा और सारी उम्र। तो भाई साहब हम ऊपर से उतर चुके हैं, अब नीचे की तरफ कोशिश करते हुए, मतलब कोशिश तो नहीं स्ट्रगल करते हुए क्योंकि गाड़ी तो जा रहा है, स्ट्रगल है कि ये पेड़ जो हमें मार रहा है उसका स्ट्रगल है। इतना मार जीवन में किसी से नहीं कहा था भाई, तबाही भाई साहब तबाही, तबाही ब्लॉक आने वाला है भाई साहब। ओए
अरे मारा मारा हमको मारा हमको मारा बहुत जोर का मारा हमको। अरे क्यों ना सूरज की किरणें आने दे मेरे मिस अब चल जाने दे जो भी बीत ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी सुने ना। देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा और सारी उम्र ना गवा दे मितवा क्यों सोचे बादल खरे हैं जबकि वो तो रुके हैं क्योंकि बारिश तो आई। तो यही था नज़ारा जो ऊपर से एक्चुअली दिखना था लेकिन ऊपर में इतना जंगल हो चुका है कि वो नज़ारा नहीं दिख पाया। कहाँ जंगल लेके आया देखो। ओ नाइस नाइस ओ वाह वाह मेरे लोंडो हैट्स ऑफ टू द बॉयज हैट्स ऑफ। अरे अपने अपने लेके खुद ले ताली मारो खुद के लिए खुद ताली मारो बढ़िया वेल डन। पहाड़ से उतरने का टाइम आ गया है। दूध पीते हुए तो पूरा जो ये साइड मिरर्स थे उसमें पेड़ में लग लग के सारे साइड मिरर्स तेरा मेरा हो गया। लास्ट टाइम मैं इधर थंडरबर्ड लेके आया था फट गया था भाई साहब। इस बार ये लेके आए हो बिंदास गया हो भाई साहब। तो अभी हम लोग कहीं पे रुक के दो मिनट का रेस्ट ब्रेक लेंगे मतलब क्या पानी वानी का। ऊपर तो हम लोग ऐसे ही रुक के फोटो वोटो खींचे रील वील बनाए राइट साइड। तो पहाड़ से उतार के आपको दर्शन कराते हैं ब्रह्मपुत्र का। वर्ड्स भूल जाता हूँ भाई साहब कभी कभी। तो फिर आज से गुवाहाटी में शायद गुवाहाटी में अभी जितना मुझे पता है पिलियन का 1000 फाइन आज से शुरू हो चुका है गुवाहाटी में। आज से अगर कोई पिलियन हेलमेट नहीं पहन रहा पीछे बैठ के तो उसका 1000 फाइन है। तो इसलिए मेरे बंधु मेरे प्रिय मित्र मेरे भाई मेरे बहन मेरे दोस्त जितने भी है सबको मैं बताता हूँ कि पीछे अगर किसी को बैठा रहे हो तो हेलमेट लगा लियो गुवाहाटी में। यहाँ पे तो फिर भी उतना सीन नहीं है। वो हो कतई जहर। तो अभी है कि हमें घर जाना और नहाना है क्योंकि पूरा बॉडी खुजली 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 है भाई खुजली है हो रहा है। तो अभी जाते हैं 70 पात मतलब ये खुजली का पेड़ होता है ये एसमिस में 70 पात बोलते हैं। तो जो भी अभी हम घर जाते हैं घर जाके मम्मी का फ़ोन भी आ चुका है घर जाके नहाते हैं। नहा के हमें दिया गया है दावत क्योंकि हम हैं ग्वालपरा में अभी फ़िलहाल तो दावतों की कमी नहीं है मुझे ग्वालपरा में। तो मिलते हैं आप लोगों से दूसरे ब्लॉग में और इस ब्लॉग का टारगेट है 2000 व्यूज़ और 5000 सब्सक्राइबर कीजिए भाई शेयर वेयर कीजिए वीडियो को। इतना मेहनत कर रहे हैं भाई साहब आप लोगों के लिए ऐसे भारी भारी कंटेंट ढूंढ रहे हैं हम भारी भारी कंटेंट बना रहे हैं हम बाइक भी और हमारे शाह ब्लॉग्स ऐसे एज ब्लॉग्स इन्हें थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा भाई साहब मेरे मेरे लिए गिर गए भाई मेरे लिए बहुत मेहनत कर रहे थे पीछे से लेकिन दो बार गिर गया। तो इनका सीन हुआ कि ये मेरे लिए रिकॉर्ड कर रहे थे इनका खुद के लिए रिकॉर्ड हो गया। ये अभी मीम मटेरियल बनने वाले फेसबुक में बहुत जल्द तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा भी इनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। तब तो क्लियर डू एट एवर इंट्रो डू जस्ट डब्ल्यू एम बाय बाय कुत्ता बिस्टिक एंड थैंक यू फॉर मेकिंग अ पार्ट ऑफ द डे। ऐसी प्रीत मेरी है ने गोड़ी।